हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक परफेक्ट पिज़्ज़ा डो रेसिपी। ये एकदम डिफरेंट रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 कप गुनगुना पानी। फिर मैं इसमें ऐड करी इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 2 TSP प्लस 1/4 TSP। इस रेसिपी के लिए मेजरिंग कप और स्पून ही यूज़ करें, नहीं तो रेसिपी ख़राब हो सकती है। अब मैंने ऐड किया है 2 TSP चीनी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। देखिए इस तरह से ऊपर झाग सी बन गई है, मतलब ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो गया है। अगर इस तरह से फोम नहीं बने तो समझ जाइएगा कि आपका ईस्ट ठीक नहीं है। अब मैं इसी में डाल रही हूँ 1.5 छोटी चम्मच नमक, 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 TSP वेनेगर। ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। यूजली पिज़्ज़ा डो में आपको वेनेगर नहीं मिलेगा। इसे ऐड करने से एक तो पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, साथ में डो को ये फर्मेंट होने में भी बहुत हेल्प करता है और ईस्ट का स्मेल भी चला जाता है। फिर सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर 1 कप गुनगुना पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब एक बॉल में 4 कप मैदा लेंगे और उसके बाद 1 कप मैदा को साइड में हटा कर रख देंगे और 3 कप मैदा में ये जो मिक्सचर बनाया है उसे ऐड कर देंगे। पहले स्पून से इसे मिक्स करेंगे। इस डो में 3.5 से 4.25 कप तक मैदा लगता है, इसीलिए यहाँ मैंने 3 कप से शुरू किया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 कप मिल्क पाउडर। आप चाहे तो गुनगुने मिल्क से भी इसे गूंथ सकते हैं। मैंने पानी से गूंथा इसीलिए मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। डो हमारी थोड़ी सी स्टिकी और सॉफ्ट और एकदम स्मूथ होनी चाहिए। मैंने अभी और 1/2 कप मैदा ऐड किया है, तो टोटल 3.5 कप और बाद में फिर 1/4 कप मैदा लगा है, तो टोटल 4.25 कप मैदा मैंने यूज़ किया है। लगभग 4.25 कप में आपकी डो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। अब इनको अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक नॉनस्टॉप नीड करना है। इतने टाइम में अच्छी तरह से ये स्मूथ और इलास्टिक हो जाएगी। इसे ऐसे ही रोल करके और स्ट्रेच करके गूंथना है, आटे की तरह नहीं गूंथना है। देखिए स्ट्रेच करने से कितनी इजीली स्ट्रेच हो रही है। 1 टेबलस्पून ऑयल को एक बोल में लगा देंगे और डो को भी दोनों साइड से लगा कर इसे ढक कर किसी भी गर्म जगह पर रख देना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे रख देना है। डो को अच्छी तरह से टक करके कवर करके रख दे जब तक कि ये साइज में डबल ना हो जाए। देखिए 2 घंटे के बाद डो साइज में डबल नहीं ट्रिपल हो गई है। अब देखिए मैंने इसे प्रेस करके सारी एयर पॉकेट्स ख़त्म कर दी है। अब ये डो पिज़्ज़ा बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल ईट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।